मेरा क्या मुकाम है आपकी जिंदगी में? मोहब्बत तो मेरी, तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारनी है मैंने। मोहब्बत में अगर मोहब्बत कम हो ना तो चलता है, लेकिन अगर एतमाद ना हो तो ये रिश्ता कभी नहीं चल सकता। ये मत समझना गैरत और मर्दानगी के नाम पे तुम्हें छोड़ा है। मैं जानती हूं क्योंकि ऐसे ताने तुम जैसों पर बेअसर रहते हैं। मेरे दिल पे असर होता है तो सिर्फ दिल का, तुम्हारे दिल की खुशी कोई और है। मेरा दिल तुम्हारे दिल की बेहुरमती कैसे कर सकता? वो हम एनेक्सी खाली कर रहे हैं। तो तुम लोगों ने फैसला कर लिया हमारे पास शिफ्ट होने का? हाँ, यही करेगा आदिल, आहिस्ता आहिस्ता कदम जमाएगा हमारी दौलत पर कब्जा करने के लिए। खुद्दारी वगैरह तो महज बातें थी। नहीं अम्मी, हम आपके घर में शिफ्ट नहीं हो रहे, आदिल ने कहीं और रहने का बंदोबस्त कर लिया है। कहीं और रहने का क्या मतलब? कहीं और कहाँ रहोगे तुम लोग? और तुम क्यों जाओगी कहीं और? इतना बड़ा घर किस लिए है? अदील मेरे शौहर है अम्मी। वो कहता है कि अभी तक पहली मुलाकात ही चली आ रही, दूसरी बार तो हम मिले ही नहीं। जारा, ये वक्त जज्बाती बातों का बिल्कुल नहीं है। तुम ये बताओ जैन ने क्या कहा? कुछ कहता ही तो नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि वो कुछ कह नहीं सकता। इस दुनिया में और भी बड़े लोग हैं जो इससे भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं किसी ना किसी से, सारी जिंदगी की जुदाई सहते हैं। नईमा की फिक्र मत करो तुम, उसे भी तो अंदाजा होना चाहिए जो दर्द वो इतनी फराख दिली से सब में बांट रही थी अरसला, वो कितना तकलीफ दे होता है। मैंने तुमसे कभी नफरत की नहीं हुई, यानी तुमने मुझे कभी नफरत के काबिल भी नहीं समझा, पर मैं खुद ही दिल को तसल्ली देता रहा। कभी तो तुम मेरी मोहब्बत को दिल लगी समझ ना छोड़ दोगे, मगर तुम्हारे लिए ये दिल लगी ही रही। किस दुनिया के आदमी हो तुम? किस दर्जे की मोहब्बत कर बैठे? मेरे नाम पे अपना सब कुछ लुटा दिया, ये भी ना सोचा कि तुम्हारी अम्मी कोई साथ है।